हलका फतेहगढ़ चूड़िया तो आम आदमी पार्टी के इंचार्ज बलबीर सिंह पन्नू वालों पार्टी मजबूत करदिया हलका फतेहगढ़ चूड़िया के पिंड शिशरेवाल के सरपंच साबका सरपंच 40 परिवारों आम आदमी पार्टी में शामिल किया है। तुम दस दिए कि मौजूदा सरपंच जसवंत कौर, यूथ कांग्रेस के आगू सचिन बाठ, साबका सरपंच शिवराज सिंह बिट्टू, साबका अकाली सरपंच प्रगट सिंह लाडी साथियों समेत 40 परिवारों नाल बलबीर सिंह पन्नू की अगवाई कबूलते हुए आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। पिंड शिशरेवाल च करवाए गए एक विशाल समागम में बलबीर सिंह पन्नू ने पार्टी शामिल हुए सारे ही वर्करां अते पार्टी आगुआं नूं आम आदमी पार्टी शामिल होने ते स्वागत करदिआं उन्हां नूं सिरपाओ दे के सन्मानित किया। दिखाउंदिआं तुहानूं विशेष रिपोर्ट। रहीश पैसे वाले जां तगड़े आम आदमी पार्टी इन्हां चीज़ां नूं नहीं चाहुंदी, क्योंकि एक मिसाल दित्ती आम आदमी पार्टी ने, एक पिंड शिशरेवाल साडा वीर सचिन जो इन्हां दे माता जी पिंड दे सरपंच ने जसवंत कौर जी जो अज आम आदमी पार्टी में शामिल हुए ने, पूरे अपने पांच मैंबर की सारी टीम के नाल आम आदमी पार्टी के शामिल होए ने। तो इन्हां दे नाल ही साबका सरपंच प्रगट सिंह जी लाडी जो अकाली दल वालों इतों साबका सरपंच रहे ने, वह भी अज आम आदमी पार्टी के सारी टीम के नाल शामिल होए ने। तो नाल ही साडा वीर शिवराज सिंह जी जो कांग्रेस वालों पिंड शिशरेवाल खुरचों सरपंच रहे सन साबका सरपंच ने, वह भी अपनी सारे परिवार समेत आम आदमी पार्टी के शामिल होए ने। मैं अपने वालों सारी अपनी हल्के की संगठन की टीम वालों इन्हों आम आदमी पार्टी जी आया आखदा सरदार भगवंत सिंह मान वालों श्री अरविंद केजरीवाल वालों सारी आम आदमी टीम वालों मैं इन्हों विश्वास दवाना कि जिस भी तरह की कोई पिंड दे विच इन्हों चंगे कामों वास्ते कोई भी काम की जरूरत होगी, किसी भी परिवार को किसी तरह की भी कोई मुश्किल होगी, किसी भी परिवार के नाल बेनसबाबी नहीं होगी, हर परिवार को हर पिंड के परिवार को पार्टीबाजी तो उपर उठ के पिंड दे विच कोई पार्टीबाजी की भेदभाव नहीं रखा जाएगा, पार्टीबाजी तो उपर होकर सारयां नूं एक निगाह दे नाल वेख्या जाएगा। अज बड़ा खुशी का दिन है, पिंड शिशरेवाल दे विच साडी आम आदमी पार्टी की पहले भी टीम कर रही है काम कर रही है, अज साडी टीम होर वड्डी हुई है, बहुत खुशी की गल है। असीं सारे एकजुट हो के पिंड शिशरेवाल दे विच और सारे हल्के दे विच जिन्हें भी कोई साडे कारगुजार होने वाले ने पिंडां दे विच उन्हां नूं जल्दी तो जल्दी असीं शुरू करवावांगे। तो पिंडां दे विच बड़ियां जो पहलों मुश्किलां आउंदियां सी तकरीबन काम असीं कोशिश करांगे, थोड़े दिन पहलों मीत हेर बाई दे भी बयान आउंदे सी कई काम ऑनलाइन कर दित्ते गए ने, आधार कार्ड अपलाई असीं घर अपने फोन ते बैठे कई काम सरकार प्रपोजल तैयार कर रही है कि जो घर बैठे कई काम इदां दे करांगे जो अपने फोन तो ही असीं अपलाई कर पावांगे, क्योंकि असीं संगत नूं लैणा दे विच लगना नहीं देखना चाहुंदे। संगत कणकां वास्ते भी लैणा दे विच लगदी सी, अपने हक लैण वास्ते भी लैणा दे विच लगना पैंदा सी। असीं कोशिश करांगे कि किसी भी तरह की किसी नूं मुश्किल ना आवे। तो मेरी तुहाडे चैनल दे राहीं एक होर हल्के सारे नूं, क्योंकि तुहाडी खबर सारे हल्के विच और पंजाब दे विच भी जा रही है, तुहाडे चैनल दे माध्यम राहीं मैं बेनती करनी चाहुंदा अपने आम आदमी पार्टी दे वर्करां नूं वी और हल्के दे वर्करां नूं, किसी तरह का झूठा काम झूठी छब्बी मेरी बेनती है किसी तो झूठी छब्बी जां झूठा काम मेरे को लैके आउण दी लोड़ नहीं। जे पिंड दे परिवार लिख के देण मुश्किल कित्थे आउण दई है नशे दी, साडे पिंडां दे लोग बुरा नहीं बनना चाहुंदे, साडे पिंडां दे लोग गवांढी नाल नहीं बुरा बनना चाहुंदे जी, साडे पिंड दे लोग अपने पिंड दे वासी नाल नहीं बुरा बनना चाहुंदे। जदों तक आपां अपने गवांढी ना अपने पिंड दे अपने परिवार ना गवांढी और पिंड दे लोकां ना बुरे नहीं बणांगे तद तक नशे नूं ठल नहीं पै सकदी। मैनूं पिंड वालिआं दी साथ दी लोड़ है, मैं सारे तुहाडे चैनल राहीं सारे पिंडां नूं बेनती करनी चाहुंदा वी मेरा साथ दिओ, पिंडां दे विचों मैनूं लिखती दे विच दिओ फलाणा बंदा नशा वेचदा, जे लिखती दे विच नहीं दे सकदे मैं एक वट्सअप, मैं थोड़े समय तक मैं अपना एक वट्सअप नंबर चालू कर रहा, उस वट्सअप नंबर ते
ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਢਣ ਨੱਪਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਰਵੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 92 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਮ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਿਸ਼ਰੇਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ਿਸ਼ਰੇਵਾਲ, ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ 40 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਥ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੱਟੜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ 'ਤੇ ਤਗੜਾ ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸ਼ਿਸ਼ਰੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ ਦੀ ਰਾਹ ਮੁਹਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਤਗੜਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਡ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗਲੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ।